सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल आशीष चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पेटीएम की केवाईसी को लेकर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, लेकिन आज मैं आपके लिए पेटीएम की फुल फुल केवाईसी का प्रोसेस बताऊंगा, बिकॉज आज मैंने अपना केवाईसी फुल कंप्लीट करवा लिया। मुझे 4 से 7 दिनों में वेरिफिकेशन बैच मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे वेरिफिकेशन बैच नहीं मिला है, बिकॉज आज मैंने करवाया है और इसको 4 से 7 दिन प्रोसेस पूरा होने में लगता है। तो आज मैं आपको कंप्लीट केवाईसी बताऊंगा कि किस प्रकार से आपका केवाईसी होता है। जितने सारे फ्रॉड वीडियो आप देखते हैं उनको देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि आज मैं बताऊँगा कि आपकी पेटीएम की फुल केवाईसी कैसे हुई है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पेटीएम की केवाईसी को लेकर मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने मिनी केवाईसी के बारे में बताया था बहुत सारे, और मैंने वो वीडियो को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मिनी केवाईसी वो बिल्कुल 110% श्योर था, आप देख भी सकते हैं मेरी मिनी केवाईसी हो चुकी है, मेरे पेटीएम वॉलेट खुला, तो पहला ही आपको साइन है आपको आपकी मिनी केवाईसी कंप्लीट हो जाती है, तो आपका पेटीएम वॉलेट जो है वो एक्टिव हो जाएगा। मिनी केवाईसी का ये प्रोसेस है। उसके बाद से आज मैं गया फुल केवाईसी को करवाने के लिए। तो बहुत सारे लोग जो भी अब वीडियो में बताते हैं कि आपको ऑनलाइन केवाईसी हो जाएगा, तो सरासर झूठ बोलते हैं। अगर मैं भी बनाऊँ तो मेरी भी वीडियो को आप वॉच नहीं करना, बिकॉज ये फ्रॉड है। आपको फुल केवाईसी करवाने के लिए आपको किसी आउटलेट का सहारा लेना ही पड़ेगा, बिकॉज आज देख सकते हैं कि मेरे पास पेटीएम की तरफ से मैसेज भी आया था कि आप जाके अपना फुल केवाईसी करवाओ नियरेस्ट आउटलेट पे, और मैं गया वहाँ पे, आज प्रशांत शेखर वहाँ पे बैठे हुए थे, और उसके बाद से मैंने वहाँ पे जाके केवाईसी के लिए अपने प्रोसेस को अपनाया। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, हाय आशीष, आपका यहाँ पे मतलब बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो आप देख सकते हैं इसमें मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो उसके बाद से मुझे एक लिंक ओपन होगा। लिंक ओपन होने के बाद आपको दिखाएगा, मैं दिखा दे रहा हूँ, शायद आप ही शो करें कि आज लास्ट डेट था। तो आप देख सकते हैं कि प्रशांत शेखर आज 7 तारीख है, देवी इलेक्ट्रॉनिक्स 7 दिसंबर 4 से 6 बजे तक आपकी केवाईसी मेरी यहाँ पे मेरे एरिया में हो रही थी जहाँ मैं गया। ये मेरे घर से 11 किलोमीटर दूर पड़ता है, वहाँ पे मैं गया, इस केवाईसी को मैंने कंप्लीट करवाई। कंप्लीट करवाने के बाद इसके क्या प्रोसेस हैं वो मैं आपको चलिए दिखा देता हूँ। मेरे पास मैसेज भी आए थे, तो ये मैसेज में मुझे लिखा गया था, आप देख सकते हैं इसको, कि मैसेज में मुझे क्या लिखा गया था कि पहले मेरे को मैसेज आया, ये एक मैंने कॉल किया एक नंबर पे 1204445555 पे, तो उसके बाद से यहाँ पे जो मैसेज आया तो उसके बाद से ओटीपी मेरे को आया। ओटीपी मैंने बताया एजेंट को, जो केवाईसी करने वाले एजेंट थे भाई साहब प्रशांत शेखर को, जो अब जो हमारे 3-4 जिलों में वो करते हैं केवाईसी। उसके बाद से मुझे मैसेज आया, थैंक्स मैसेज आया मेरे पेटीएम की तरफ से। उसके बाद से मुझे बोला गया कि 4 से 7 दिनों में आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी, और आप अपना केवाईसी कंप्लीट करवाने के बाद आप अपने वॉलेट को यूज कर सकते हो, यानी कि किसी भी पैसे को बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो जो लोग भी आपसे बोलते हैं कि आपकी पेटीएम केवाईसी आपके ऑनलाइन हो जाती है, तो वैसे वीडियो को नहीं देखो, अवॉइड कर दो, चाहे कोई भी वीडियो बनाए। और मैं यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए दे रहा था क्योंकि बहुत कम से कम 1 लाख वीडियो पड़े हुए हैं पेटीएम के केवाईसी को लेकर, आओ ऐसे पेटीएम केवाईसी करो, ये करो वो करो, ये मैसेज करो। पेटीएम की ऑनलाइन केवाईसी नहीं होती है, नहीं होती है, बिकॉज पेटीएम की सिर्फ मिनी केवाईसी ऑनलाइन होती है, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था जिसमें आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, वैसे ही सिर्फ मिनी केवाईसी पेटीएम की हो सकती है, वो वीडियो सच होते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसे प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने आज उनसे पूछा भी तो उन लोगों ने बोला कि नए अकाउंट की केवाईसी या मिनी केवाईसी नहीं हो रही है। जी हाँ, मिनी केवाईसी नहीं हो रही है, इसलिए आप लोग परेशान ना हो। जो लोग भी मिनी केवाईसी करवाना चाहते हैं वो वेट करें, 1 महीने मुझे लगता है वेट करें, उसके बाद से शायद RBI की कोई न्यू पॉलिसी आएगी, उसमें जाके आपकी मिनी केवाईसी होगी। आप ट्राई कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ऑनलाइन ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने ये से कर सकते हो, हो सकता है आपकी KYC कंप्लीट हो जाए, लेकिन फिलहाल आपकी KYC नहीं होगी। अगर आप न्यू यूजर हो तो मैंने आज कंफर्म कर लिया प्रशांत शेखर जी से, बिकॉज वो जो KYC एजेंट थे वो है, वो 3-4 जिलों में, मैं जैसा कि मैंने बताया कि वो देखते हैं। और उसके बाद से
आपकी सारी जानकारी मैंने मांगी, क्योंकि अब जब मेरा केवाईसी कंप्लीट हो गया तो मैं वहाँ पे सिर्फ वोटर आई कार्ड लेकर गया था और मेरी केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है और 4 से 7 दिनों में मुझे वेरिफिकेशन बैच मिल जाएगा। अभी आप देख सकते हैं मुझे वेरिफिकेशन बैच नहीं मिला है, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे वेरिफिकेशन बैच नहीं आया है। तो ये यूजफुल इन्फॉर्मेशन मैंने केवाईसी करवाने गया तो मुझे आपको देनी थी। तो उम्मीद करता हूँ आपके वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो इसे लाइक करो, अगर आपको कुछ सुझाव हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक शेयर अभी तक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।